अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। इंडोर प्लांट्स की अगर आप वैराइटीज़ को सर्च करना शुरू करें तो आपको इसकी बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ दिखेंगी, बहुत ज़्यादा इंडोर प्लांट्स हैं जो हम बड़े शौक़ से अपने घरों में ग्रो करते हैं। और मैंने भी अभी दो इंडोर प्लांट के बारे में आपको बताया पिछली वीडियोज़ में, जिसमें एक स्नेक प्लांट और एक पेपरोनिया प्लांट है। और आप लोगों को इंडोर प्लांट्स की बहुत ज़्यादा पसंद भी हैं आप लोगों को, और आप लोग उसके बारे में जानना भी चाहते हैं और बहुत फरमाइशें आती हैं इंडोर प्लांट्स के बारे में। सो, मैंने सोचा कि दो तो मैंने आपको बता ही दिए हैं प्लांट्स के बारे में। वैसे भी मैं अपनी वीडियोज़ बनाती रहती हूँ, अपने चैनल पर डालती रहती हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि अब मैं एक सीरीज़ बनाती हूँ जिसमें रोज़ाना मैं किसी ना किसी इंडोर प्लांट के बारे में आपको बताऊँ, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा भी हो कि हम उनको किस तरह अपने घर में ग्रो कर सकते हैं और कौन से प्लांट हैं जो आपके घर में अच्छे तरीके से ग्रो करेंगे। लाइट के बारे में, कितनी ज़्यादा लाइट चाहिए उनको, कम चाहिए या चाहिए। मेरे पास इंडोर प्लांट्स का बहुत बड़ा कलेक्शन है और उसमें से कुछ प्लांट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है, बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जिनके बारे में मैंने अभी आपको नहीं बताया है। तो फिर मैं एक एक करके आपको बताती रहूँगी और आप उसमें से चेक करते रहिएगा और अपनी पसंद के प्लांट्स आप इजी ला सकते हैं। नामों का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए कि जो नाम मैं बताऊँगी हो सकता है नर्सरी से वो नाम ना हो, लेकिन आपको फिर जाके खुद उन इंडोर प्लांट्स को चेक करना पड़ेगा, फिर आपको लेना पड़ेगा। इसी सिलसिले में आज मैं बनाने जा रही हूँ फ़र्न के बारे में। फ़र्न की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं और मेरे पास भी फ़र्न का अच्छा खासा कलेक्शन मौजूद है। इस पर मैं इंशाल्लाह आपको दिखाती रहूँगी, उस पर वीडियोज़ बनाती रहूँगी। और आज मैं बना रही हूँ एक बहुत ही अपने फेवरेट फ़र्न के बारे में, जिसको कहते हैं लेमन, क्या कहते हैं लेमन बटन फर्न। थोड़ा सा नाम मेरे ध्यान से निकल गया। वैसे ये प्लांट बहुत खूबसूरत है और कितने अरसे से मेरे पास है और मैंने इसके कई प्लांटर्स तैयार कर लिए हैं। बहुत खूबसूरत प्लांट है, आप ये देखिए, इसके लीव देखिए कितने खूबसूरत हैं, है ना। और बहुत अच्छा फ़र्न है और आप समझिए ये बेहतरीन एक इंडोर प्लांट है। फ़र्न तो वैसे भी टॉप 10 जब अगर इंडोर प्लांट्स को आप चेक करेंगे तो उसमें फ़र्न की काफ़ी टॉप पर आएगा, यानी बहुत अच्छा प्लांट है। और इसकी जो आप देखिए, इसकी जो फ़र्न जो होते हैं ना, वो सबकी जो अगर आप देखें केयर तकरीबन एक तरह की होती है। थोड़ा सा एक दो फ़र्न है जैसे स्पाइकस फ़र्न की जो एक बेल की सूरत पे, जो वाइन की सूरत पे लगता है, उसको थोड़ी सी डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत होती है, वरना फ़र्न अमूमन जो है उनको डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती है। किसी को ब्राइट सनलाइट की, इनडायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत होती है और किसी को नॉर्मल सनलाइट की ज़रूरत होती है। जैसे कि कहीं भी आप अपने कॉरिडोर में रख दें, नॉर्मल जो लाइट आ रही होती है, ना ब्राइट सनलाइट, इनडायरेक्ट सनलाइट और ना डायरेक्ट सनलाइट। तो ये देखिए, ये जो फ़र्न है ना, ये यानी जो ये फ़र्न है हमारा लेमन बटन फर्न, इसको जो है वो ब्राइट इंडेक्स सनलाइट की ज़रूरत भी नहीं होती है, नॉर्मल सनलाइट की ज़रूरत होती है। और बहुत तेज़ी से ये प्लांट ग्रो करता है, बहुत अच्छा है। मैं समझ रही थी कि शायद इसके लीव्स जो हैं उसमें से खुशबू आती है लेमन की, लेकिन मुझे तो कोई खुशबू नहीं आ रही है। और क्यों इसको लेमन बटन फर्न कहते हैं ये तो नहीं पता। हाँ, इसके जो ये जो होते हैं लीव्स, थोड़े बटन, छोटे छोटे बटन है ना, उसकी तरह लगते हैं, शायद इसीलिए इसको बटन फर्न कहते हैं। इसको और तमाम फर्न की तरह हमें इसकी वर्डेन सॉइल की ज़रूरत पड़ेगी, यानी ये कि जिसके अंदर सैंड की मिकदार ज़्यादा हो। और कोकोपीट थोड़ा सा डाल दें तो बेस्ट है, यानी आप लीजिए 50% सैंड ले लीजिए, 25% आप इसके अंदर ले लीजिए मुख्तलिफ किस्म का फर्टिलाइज़र, जिसमें गोबर की खाद ले सकते हैं, बोन मील ले सकते हैं, आप इसके वर्मी कंपोज ले सकते हैं, ये ले लीजिए। और इसके अलावा 25% आप इसमें ले लीजिए कोकोपीट, तो ये बहुत बेहतरीन सॉइल तैयार हो जाएगी। अच्छा, इस पर हाथ लगाना बड़ा अच्छा लगता है, मैं आते जाते इसको हाथ लगाती हूँ, बड़ा मज़ा आता है, बड़ा खूबसूरत फर्न है। और हमने इसकी बात कर ली, और ये छोटे से छोटे पॉट में भी लग जाता है, बहुत आसानी से प्रोपगेट हो जाता है, डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती है, नॉर्मल लाइट की, जैसे कि आपने अपने कॉरिडोर में रख लिया जहाँ पर लाइट नहीं आती है, नॉर्मल मतलब इनडायरेक्ट सनलाइट भी ज़्यादा नहीं आती है और डायरेक्ट सनलाइट भी ज़्यादा नहीं आती है, डायरेक्ट सनलाइट भी नहीं आती है, तो वहाँ ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेगा और बहुत लश ग्रीन हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में रख देंगे या जहाँ बहुत ज़्यादा ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट आएगी, तो पहले इसके लीव जो है वो बिल्कुल लाइट ग्रीन कलर के हो जाएंगे, फिर आहिस्ता से येलो, और फिर पूरे जो ब्रांच है सूख जाएगी। अगर ज़रा सी ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट इसको आ जाती है इनडायरेक्ट सनलाइट,
तो देखिए इसके नीचे से इसके ये इस तरह से सूखने से लग जाते हैं, लिहाजा मैं अक्सर व बेशतर इसकी सफाई करती रहती हूँ, इसलिए कि जहाँ मैंने रखा हुआ है वहाँ डायरेक्ट सनलाइट तो नहीं आती, इनडायरेक्ट सनलाइट ज़्यादा नहीं आती है, लेकिन फिर भी कभी कभी जब ज़रा तेज़ गर्मियाँ पड़ती हैं तो इसके यहाँ से जो ब्रांचेज जो हैं ये देखिए इस तरह से इसकी ये बन जाती है। लिहाजा आप सफाई का ख्याल रखिए, जब ये इस तरह से हो जाए आप इसको कट कर दीजिए। और इसके अलावा ये कि पानी आपने चेक करके डालना है, ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करनी, ओवर वाटरिंग किसी भी प्लांट के लिए अच्छी नहीं होती है, कोई भी प्लांट है वो कम पानी में तो बर्दाश्त कर लेता है लेकिन ओवर वाटरिंग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता, लिहाजा इसमें भी आपको चेक करके पानी डालना है थोड़ा सा उसको। अब देखिए अब ड्राई हो गया है पानी डाल दीजिए, वैसे गर्मी है आजकल है बहुत गर्मी पड़ रही है तो आप रोज़ाना पानी डाल दीजिए, लेकिन ये नहीं है कि बारिश हो और आप उसको रख दें और लगातार बारिश होती रहे और नीचे से आपका होल जो है बंद हो जाए, ये बिल्कुल ना। अगर नीचे से रेनी होल्स आपका बिल्कुल सही है तो आप इसको रेनी सीजन में भी बाहर रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ड्रेनेज होल को आप चेक कर लीजिएगा। और आपको लगे कि बहुत पानी भर रहा है तो आप इसको ऐसे लिटा के ऐसे रख दीजिए ताकि पानी इसके अंदर जाए ना, और जब बारिश खत्म हो जाए तो आप इसको सीधा कर दीजिए। अच्छा फर्टिलाइज़र की बात करें तो फर्टिलाइज़र 15-15 डेज से इसको देते रहिए, और कोई ख़ास इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है इस फर्न की, और आराम से 15 डेज में आप देते रहिए, कोई भी जैसे पेस्ट वगैरह का अटैक नहीं होता है अगर आपको लगे। जैसे तो 15 डेज से हम आपको पता है कि हमेशा ही हम इसके अंदर फंजीसाइड का स्प्रे करते रहते हैं अपने सारे प्लांट पर और इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते रहते हैं, तो वो तो आपने 15 डेज से करना है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। घर से बना हुआ आप इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर दीजिए, वो भी आप कर सकते हैं। और मेरे इसमें तो अभी तक इतने मेरे ख्याल 1.5-2 साल हो गए, अभी तक कोई भी इसके अंदर कीड़े वगैरह नहीं लगे हैं, बड़ी ईजिली ग्रो कर रहा है। और आपको दिखाऊँ मैं कितने अच्छे तरीके से ये बहुत ही इसे मल्टीप्लाई होता है, ये देखिए अभी मेरा ये प्लांट था ना, अब आप देखिए कुछ अर्से बाद फ़ौरन ही इसके अंदर ये निकल आया, ये देखिए ये अब मैं क्या कर सकती हूँ, इसके कितने ही प्लांटर्स बना सकती हूँ आपको दिखाऊँ। आप ये देखिए ये सारे देखिए ये जो है ना ये पूरा एक अलग पूरा प्लांट है, ये पूरा अलग है, इस तरह आप देखिए ये पूरा एक अलग प्लांट है, बहुत ईजिली ये देखिए ये पूरा एक अलग प्लांट है, यानी कितने ही हम इसके प्लांट बना सकते हैं। ये थोड़े थोड़े फासले पर जाके अपने जो है वो प्लांट्स निकालता रहता है, ग्रो करता रहता है, बेबीज़ निकालता रहता है, तो एक प्लांट आप ले आइए उससे आप कितने ही प्लांट तैयार कर लेंगे बहुत। और सफाई का ख्याल रखिएगा जिससे कि फिर फंगस लग जाता है, ठीक है। देखिए एक ये प्लांट बन सकता है, एक यहाँ से बन सकता है, तो बहुत अच्छा प्लांट है और आप इसको इस फर्न को बहुत ईजिली अपने हैंगिंग बास्केट्स में लगा सकते हैं, छोटे से प्लास्टिक के उसमें लगा सकते हैं। एक प्लांट लीजिए और लगा दीजिए और कुछ अच्छे बाद देखेंगे आप सब तरह से उसके अंदर प्लांट निकल आएंगे, और फिर आप उसको दूसरे पॉट में दूसरे शिफ्ट कीजिए, उस तरह 2-3 प्लांटर आपके बन जाएंगे, तो ये बहुत अच्छा प्लांट है, आप इसको ईजिली लगा सकते हैं। चलिए ये बात हो गई, और तो हमने सारी बात कर ली इस प्लांट के बारे में, तो फिर इंशाल्लाह आपसे किसी और हाउस प्लांट के बारे में बात होगी इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।